मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर बीजेपी का बड़ा जनसंपर्क अभियान। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, विकसित भारत के निर्माण के लिए करेंगे और अधिक मेहनत। गृह मंत्री समेत कई मंत्री और नेताओं ने किया ट्वीट। मणिपुर में शांति बहाली के लिए गृह मंत्री अमित शाह करेंगे सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता। महिला प्रतिनिधियों से की मुलाकात, कल इम्फाल में सीएम और अधिकारियों के साथ की बैठक। 1 जून तक मेघालय दौरे पर हैं गृह मंत्री। जम्मू के बाद श्रीनगर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, पुल से नीचे गिरी बस। हादसे में 10 श्रद्धालुओं की हुई मौत। यूपी से वैष्णो देवी जा रहा था श्रद्धालुओं का जत्था। जम्मू कश्मीर फिर हुई टारगेट किलिंग, अनंतनाग में आतंकियों ने दीपू नाम के व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। दिल्ली में नाबालिग लड़की से दरिंदगी के आरोपी साहिल ने कबूल किया जुर्म। सरेआम 20 बार से ज्यादा चाकू से हमला करके ली थी लड़की की जान। कल बुलंदशहर से हुई थी गिरफ्तारी। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच समझौते की खबर। मिलकर चुनाव लड़ने का हुआ फैसला। गहलोत के ना चाहते हुए भी पायलट को मिल सकती है राजस्थान कांग्रेस की कमान। 9 मई को हुई हिंसा मामले में आज इमरान खान से होगी पूछताछ। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भेजा नोटिस, शाम 4:30 बजे पेश होने के लिए कहा। अमेरिका के सांसद के खिलाफ रूस ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। रूस यूक्रेन युद्ध पर गलत टिप्पणी करने का आरोप। अमेरिकी सांसद ने 5 दिन पहले ही ज़ेलेंस्की से की थी मुलाकात। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त हम मौजूद हैं शाहबाद डेयरी इलाके में। 28 मई रविवार रात 9 बजे इन्हीं गलियों में सरेराम सरेआह एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी जाती है, और हत्या भी ऐसी कि आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। और हत्या भी इस दुर्दांत अपराधी ने, इस हैवान ने इस तरीके से की है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। और वो तब तक उस लड़की को चाकू से गोदता रहा जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो गया। एक बार नहीं, बार बार, कई बार तब तक मारता रहा। लड़की चीखती रही वो मारता रहा, लड़की चिल्लाती रही वो मारता रहा, लड़की रहम की भीख मांगती रही वो मारता रहा, खून के फव्वारे उसके शरीर से निकलते रहे तब भी वो मारता रहा, इंसानियत दम तोड़ती रही क्योंकि इसी रास्ते से आते जाते लोग उसे देखते रहे और किस तरीके से इंसानियत के साथ साथ उस लड़की ने भी दम तोड़ दिया।